हेलो पीपल, इट्स मी शान. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल. पूरे एक हफ्ते बाद एक नई वीडियो, एंड वो इसलिए क्योंकि नया ट्रेलर आया है जिसका नाम है लव सोनिया. अब ये मूवी में डेब्यू हो रहा है एक नई एक्ट्रेस का. हर नेम इज मृणाल ठाकुर. ये पहले कुछ यू नो मराठी मूवीज में काम कर चुकी हैं, बट दिस इज हर बॉलीवुड डेब्यू. And the fun fact is, next year Super 30, Hrithik Roshan की जो upcoming movie आ रही है Super 30 next year, उसमें उसका भी ये part है, तो वहाँ पर भी आप इन्हें देख पाएंगे. So that is some you know good news. इस movie में जो इस video का actually you know नाम है, उस नाम में जो जो actors के name हैं वो है राजकुमार राव, रिचा चड्ढा एंड फ्रीडा पिंटो. फ्रीडा पिंटो इज हॉलीवुड एक्चुअली, एंड आप लोगों ने उन्हें यू नो स्लमडंग मिलियनेयर में देखा होगा. मतलब शी वॉज रियली वेरी अप्रिशिएटेड इन दैट मूवी. एंड इसमें जिन लोगों के नाम नहीं है वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं. इस मतलब इस वीडियो के नेम में उनका नाम नहीं है, बट वो एक्चुअली काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं एंड बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेज देते हैं. आई थिंक वो इस मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, जैसे अनुपम खेर, आदिल हुसैन. एंड I've come to know that इसमें Demi Moore भी है. Demi Moore is you know a Hollywood actress. So you know this is I think going to be something really very interesting. And ये मुझे ऐसा you know सुनने में आया कि ये थोड़ा dark type की movie होने वाली है. I mean it's going to be on a very serious topic and it's going to be very intense. That's what I'm speculating right now, क्योंकि ऐसा मुझे सुनने में आया. तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए, लेट्स वॉच द ट्रेलर एंड लेट्स सी कि ये कितना डार्क है, कितना इंटेंस है एंड एक्चुअली है किस बारे में. सो लव सोनिया ऑफिशियल ट्रेलर, हियर वी गो. तमाशा टॉकीज, लॉस एंजेलिस, मुंबई. हो गया सिंहराज, जी स्टूडियोस. मुझे बड़ा डर लगता है जी स्टूडियोस से. रिलीवेंस Oh shit! Let's get the help from here. Let's get it. तेरे लिए तो लड़कों की लाइन लगने वाली है. और फिर तो यार पर के जाऊंगी कहाँ? डरो मत. मैं अच्छी जॉब दिलाऊंगी तुझे. शक्ल से लगता है. मामा, मैं तेरे साथ हूँ. मामा तेरी कहाँ चली? अच्छा, दूसरी वाली भी आ गई. मनोज वाजपेयी, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम. तो पहले अपना उधार चुकता करना, फिर तू और तेरी बहन जिधर मर्जी जाने का जाओ. मैं जैसा बोलेंगी करेंगी ना, उप्रीति को जल्दी मिल पाएगी ना तेरे पास. जानती है ना मुझे. Everyday, damn, man. कुछ भी हो जाए प्रीति, कैसे भी ढूंढ कर निकालेंगे. लव सोनिया. As I was expecting, very intense. एंड ऐसे यू नो टॉपिक्स के ऊपर जब मूवीज़ बनती हैं तो यू नो एट द सेम टाइम
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है. इट यू नो इट्स इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ मिक्सड फीलिंग्स. एंड इट एक्चुअली ब्रेक्स माई हार्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि कितनी ज़्यादा रियलिटी है इसमें. इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग में भी दिखाया था दैट इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. एंड यू नो एंड 270 वुमेन गो मिसिंग इन इंडिया एवरी डे, एवरी डे, लाइक कितनी आम बात है. This is, I think this is going to be a really very necessary movie. चाहे ये अच्छा business करे ना करे doesn't matter. But some movies are very necessary movies. It's very necessary for the people to see, and it's really important for you know everyone to know and understand the message of the movie and to just see the facts कि actually होता क्या है. You know, मतलब आप कभी you know जो भी news देखते हैं या यू नो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे देखते हैं कि हाँ देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी यहाँ पहुँच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जो रियल इश्यूज है वो वहीं के वहीं रहते हैं एक्चुअली में. एंड यू नो दिस इज एक बहुत ही यू नो निग्लेक्ट करते आ रहे हैं ऐसा इशू है ये. आई मीन जबरदस्ती में दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस इज रियलिटी दैट यू नो पैसों के लिए बेच दी जाती है लड़की और वो उसे अपनी मर्जी के खिलाफ वहाँ रखा जाता है. एंड उनके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, दे हैव टू कंटिन्यू व्हाट दे यू नो गॉन एट अ वेरी यंग एज, क्योंकि और कुछ करने को आता ही नहीं है. यू नो बचपन से ही, व्हाट वाज हर एज, आई थिंक इसमें शायद 17 या 16 कुछ एज बताई इसमें, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक चलो बहुत कम एज पे उसे बेच दिया है. वो अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाई. एंड दिस सो you know it's heartbreaking actually. And actually people do not understand this kyunki you know jaise isme dikhaya Manoj Bajpayee ka jo role dikhaya hai isme jisme ye you know he is actually supplying girls and explain kar raha hai phone pe ki ha you know ye matlab is age ki hain, village ki hain, virgin hain, ye hain, wo hain. And aise log actually mein hote hain, you know, lekin obviously there is no way for me to completely understand कि एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है जब ऐसा होता है. ये तो बहुत ही एक्सट्रीम चीज है, मैं एक नॉर्मल जेनेरिक सी बात कह रहा हूँ कि अगर किसी यू नो लड़की को कोई छेड़ दे या यू नो जैसे टीज होती है, ईव टीजिंग हो जाती है, या यू नो बहुत ही माइनर सी चीज जो यू नो यहाँ की जनता आम समझती है वो चीज़ हो जाती है, तो लड़की के ऊपर क्या बीतता होगा, क्या ट्रॉमा यू नो आता होगा, वो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. मैं क्या कोई भी लड़का ये नहीं समझ सकता चाह के भी. एंड एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यू नो ये लगी, आई मीन दो दिन पहले मैंने मूवी देखी संजय दत्त की, जो कमबैक मूवी थी भूमि. एंड मूवी वॉज आई मीन ओवर ड्रामेटिक शिट, बट उसमें एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये कि जो उसमें 18 साल का हुआ नहीं होता है, बट एक 18 साल का लड़का होता है जो भूमि को दीदी 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 कहता है हर वक्त, हर पूरी मूवी में. लेकिन वो जब भूमि का गैंग रेप होता है तो वो भी रेप करता है सिचुएशन का फायदा उठा के. एंड उसके बाद सब ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, रेप ही तो हुआ है और क्या हुआ है. एंड उसके बाद संजय दत्त उसे ये चीज़ बताने के लिए कि कैसा लगता है जब आपको इतने लोग घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एंड यू फील कम्प्लीटली हेल्पलेस कि आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में, वो उसे लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के, एक यू नो लड़की के बालों की विग लगा के, साड़ी पहना के उसे रोड पे फेंक देते हैं, वैसे एरिया में जहाँ पे टीजिंग सबसे ज़्यादा होती है. एंड वहाँ जाते हैं, वहाँ उसे आदमी छेड़ते हैं, नोइंग दैट ही इज़ अ गाय ड्रेस्ड एज अ वुमन. लोग उसे छेड़ते हैं, लोग उसे उठा के गाड़ी में घसीटने की कोशिश करते हैं. एंड तब संजय दत्त कहता है कि इतना सा भी फील हुआ कि कैसा लगता है व्हेन यू आर सो हेल्पलेस कि चार लोगों ने तुम्हें ऐसे पकड़ रखा है एंड तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो. द थॉट इज जस्ट स्केरी मैन. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड अ लॉट ऑफ गट्स कि ऐसी मूवी बनाए. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसा मैसेज है, ये ऐसी ज़रूरी नेसेसरी मूवी है कि यू नो हर किसी का देखना बनता है. अभी बात करें इसमें दो बहनों के प्यार की, एक बहन चली गई है एंड आई थिंक
उसे आइडिया है कि एक ही मेरी बहन कहाँ गई है, क्योंकि जिस तरह उसे रोते हुए घसीटते हुए खींच के ले जाया गया, सो उसे आइडिया होगा कि मेरी बहन के साथ क्या होने वाला है. बट स्टिल वो कह रही है कि मुझे भी वहाँ जाना है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी बहन के पास जाना चाहती है. एंड दिस इज यू नो द मोस्ट इमोशनल इट कैन गेट. इट्स लाइक रियली वेरी यू नो. बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, वेरी इंटेंस. जैसा मैंने ट्रेलर शुरू होने से पहले ही बोला था, बहुत ज्यादा डार्क और इंटेंस होने वाला है. एंड इट इज एक्चुअली में एंड अमेजिंग एक्टर्स, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हमें इसमें देखने को मिलेंगी. आई मीन जस्ट लुक एट अनुपम खेर, जिस तरह वो यू नो एक एटीट्यूड है उसमें कि हाँ भेज दूंगा तुझे भी तेरी बहन के पास. इट इज यू नो इट सीम्स सो रियल. आई एम बाइंग ऑल ऑफ देम. बहुत अमेजिंग एक्टर आदिल हुसैन बींग द यू नो फादर, उस लड़की का फादर होके वो कर भी रहा है. एंड बाद में जैसा यू नो आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, क्योंकि बाद में ही वॉज यू नो लुकिंग सैड, तो आई थिंक वो ये सब करने के बाद रिग्रेट भी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली आई ओपनर फॉर मेनी पीपल. Okay, that's all I want to say now. But I have a lot of hope with this movie, because you know Manoj Bajpayee, Richa Chaddha, Rajkumar Rao being a good guy who help kar raha hai ladki ki, and Frida Pinto, Demi Moore, and you know Adil Hussain and Anupam Kher, ye sare bahut hi jaise matlab diggaj log hain. Agar itne sare log hain isme, and it is the producer is the same man who was the producer of Life of Pi, so this is going to be pretty epic. So that's all I have to say. I know थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, but topic है ऐसा. And you know, please अगर ये वीडियो पसंद आई है तो like करिए इस वीडियो को, comment करिए इस वीडियो पे. And I really want to know your thoughts as well. आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस movie के बारे में, इन actors के बारे में, and just what are your thoughts? Do let me know. And अगर आप मुझसे agree करते हैं तो please comment करिए. Agree नहीं करते हैं, अगर आपको कोई और point of view, कोई और opinion है, तो please do let me know as well. And अगर आप ऐसी videos और देखना चाहते हैं तो please subscribe करिए इस channel को. And if you want, you can follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Stardust, and all the other social media apps. Sare links niche description box mein available hain. And that's it, guys. I'll see you soon ek nayi video ke saath. Tab tak ke liye, bye bye. Take care.